और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब आप काम करने लग जाएंगे, 1,37,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। जिसको आप वेस्ट कहते थे, अब वो वेस्ट नहीं, वो वेल्थ का काम करेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कुछ भी वेस्ट नहीं, केवल हमारा विजन किसी को अच्छा और बुरा बनाता है, हम उसको किसानों की समृद्धि के साथ जोड़ करके उसको वेल्थ में बदलने का काम करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उसी एक नई श्रृंखला को चलने का और युग परिवर्तन का कारण बनेगा। इस दृष्टि से बदायूं वासियों को, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश में 8 नए प्लांट का यहां पर आज शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है, और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है, उसके उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे, हमारे नौजवानों के सामने आजीविका का संकट था, बेटी और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पहचान का संकट भी अलग था और सुरक्षा का संकट भी अलग था। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार को 7वां साल होने जा रहा है, लेकिन इन 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज प्रदेश जो पहले दंगा प्रदेश था वह प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है, कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं होली उत्सव हो रहा है, कहीं पर बसंत उत्सव हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर मत और मजहब के लोग अपने अपनी भावनाओं के अनुरूप पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। व्यक्ति नए रोजगार के साथ जुड़ रहा है, हमारे नौजवानों के जीवन में भी नया परिवर्तन लाते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आज कार्य प्रारंभ हुए हैं। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है, हम सुरक्षा का वातावरण भी देंगे, अन्नदाता किसानों के जीवन में समृद्धि का कारण भी बनेंगे, चाहे वह प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हो,
गरीबों के लिए बनने वाली तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव गांव में जाकर के हमारे माननीय सांसद विधायक गण गांव गांव में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करके आपको अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उसी अभियान के साथ जोड़ने के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, पिछले 7 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, और ये बदलाव आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में और भी तीव्र गति से देखने को मिलेगा। मैं बधाई दूंगा बधाई वासियों को। अभी आपको लखनऊ पहुंचने में यहां से 7 से 8 घंटे लगते होंगे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है। सबसे ज्यादा बदायूं जनपद में ही गंगा एक्सप्रेसवे बनने व जा रही है, और गंगा एक्सप्रेसवे को हम लोग प्रयास से इस वर्ष के अंत तक बने, और गंगा एक्सप्रेसवे जब बनेगी आपकी लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी हो जाएगी, 3 घंटे में। यानी आप 3 घंटे में बदायूं से लखनऊ पहुंचेंगे और 4-4.5 घंटे में यहां से प्रयागराज की दूरी, अगर संगम में स्नान करना हो तो प्रयागराज भी आप चले जाएंगे, हाईकोर्ट में जाना हो वहां भी चले जाएंगे, दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली की दूरी आप तय कर सकते हैं। ये सुविधा आज मैं देख रहा था, चाहे वो दातागंज हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे वो बिरसी का हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही है, हर घर नल की योजना लागू हो रही है, किसानों के लिए नई नई चीजें विकसित की जा रही हैं, विकास की प्रक्रिया को साथ के साथ जोड़ना, किसानों की आमदनी को बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए नए रोजगार का सृजन करना, और रोजगार सृजन के क्रम में आज निवेश की इस प्रक्रिया के क्रम में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन चलने वाली कंपनियां, चाहे वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, इनके नेतृत्व में तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में एक कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट आज यहां पर उद्घाटन हुआ है, और इसके उद्घाटन के साथ आज नए अन्य 8 प्लांट प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगने जा रहे हैं। जिन 8 जनपदों में ये प्लांट लगने जा रहे हैं, वहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण वहां मौजूद हैं, मैं उनको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और जैसे बदायूं ने, दातागंज ने अभियान चला करके स्थानीय स्तर पर समर्थन दे करके इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे ही वे जनपद में भी तैयारी करेंगे, तो ऐसे ही फंक्शन का कार्यक्रम उन जनपदों में अगले 1 वर्ष के अंदर हमें करने का अवसर प्राप्त होगा, और वहां के किसानों को पराली को जलाने की समस्या का समाधान भी होगा, खेती की उर्वरता भी बढ़ेगी और नए रोजगार का सृजन भी होगा। पराली को जो अब तक जलाया जाता था, अब ये पराली किसानों की आमदनी का, अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगा। गोबर भी ये कंप्रेस्ड बायोगैस खरीदेगा, गोबर का भी दाम मिलेगा। अगर किसान, आप मान करके चलिए, एक दिन में अगर किसी एक किसान ने 5 गोवंश रखे हैं या भैंस रखे हैं, और वह एक दिन में 25 से 30 किलो गोबर अगर इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में उपलब्ध करवाता है, तो याद करिए कि 25 से 30 किलो गोबर से ही मुझे लगता है कि उसका भी अतिरिक्त दाम उसको प्राप्त हो जाएगा। जो वहां पे वेस्ट होगा घास का, पराली का, इसका भी अतिरिक्त दाम आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से मिले, किसान को भी, पशुपालक को भी तो लाभ है ही, लेकिन नौजवानों के लिए रोजगार का भी सृजन इसके माध्यम से होगा। नए नए प्लांट लगे गए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियों की नई संभावनाओं को आगे विकसित करने में मदद मिलेगी, और यह एक नई शुरुआत है। मैं इसके लिए
माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को इस पहल के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तेल कंपनियां जो इस दिशा में रुचि ले रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके लगातार कार्य कर रही हैं, इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। बदायूं वासियों को एक बार फिर से मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपने वेद पढ़ने की धरती को अब आधुनिक उद्योग के साथ जोड़ने का काम किया है और यह आधुनिकता आपके विकास और भविष्योन्मुखी उन्नति का कारण बनेगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को यहां पर जितनी भी परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है, इन सबकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय श्री राम।